जल जीवन मिशन पर पीएम ने ग्राम पंचायतों और स्वच्छता समितियों से क्या कहा? कहां पर दुनिया के सबसे बड़े तिरंगे का अनावरण हुआ? और पश्चिम बंगाल में कहां पर बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है? राष्ट्र और राज्यों की बड़ी खबरें कौन सी है? टॉप 9 देश प्रदेश। गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष की शुरुआत की। पीएम ने जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों, पानी समितियों और स्वच्छता समितियों से भी बात की। 2 अक्टूबर के खास मौके पर आज लेह में हाथ से बने सबसे बड़े तिरंगे का अनावरण किया गया। इस राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 125 फीट है। 1400 किलो वजन के इस झंडे के अनावरण पर आर्मी चीफ नरवणे और एलजी आरके माथुर भी मौजूद रहे। 15 अगस्त को अलग अलग राज्यों से शुरू हुई आईटीबीपी जवानों की साइकिल रैली आज दिल्ली पहुंची। 16,426 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले इन जवानों ने खास अंदाज में राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। SBI ने दोहरी चिप कार्ड तकनीक पर आधारित अपने NAV कैश कार्ड को लॉन्च कर दिया। कर्नाटक के कारवार में INS विक्रमादित्य पर आयोजित एक कार्यक्रम में SBI प्रबंध निदेशक और वेस्टर्न नेवल कमांड के अधिकारियों ने NAV कैश कार्ड को लॉन्च किया। कारोबारी मनीष गुप्ता केस की जांच अब CBI करेगी। योगी सरकार ने इस केस की जांच CBI से कराने की सिफारिश की है। सरकार ने पीड़ित परिवार को 40 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।